अरे ये नटू काका बाघम बहुरी को नाश्ता छोड़ के कहाँ चले गए? बावरी सुनी नहीं रही है, क्या कर रही है? चिल्ला क्या रही है? चिल्लाना तो मुझे चाहिए। मैंने ऐसा क्या किया है कि आपको चिल्लाना पड़े? अच्छा, नटू का कर भगा को गायब करके खुद मेरी दुकान में ऐसे नाच रही है बिंदास, और कह रही है मैंने क्या किया? मैंने कोई उनको गायब नहीं किया है, वो अपने आप गायब हुए हैं। कहाँ गए वो लोग? गोडाउन में। क्यों? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ अपना मोबाइल रिचार्ज करवाने आई थी तो चक्कू काका ने कहा। कौन चक्कू काका? अरे चक्कू काका चक्रमाल प्रभाशंकर उंदिया वाले। ए चक्रम, उनका नाम चक्कू काका नहीं नटू काका है, नटूरलाल प्रभाशंकर उंदिया वाला। हाँ है, गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ तो नटू काका ने कहा दो मिनट दुकान संभालो, हम अभी आते हैं। गुड मॉर्निंग सेठ जी। ए गुड मॉर्निंग वाड़ी, पूरी की पूरी दुकान बावरी के भरोसे छोड़ के तुम दोनों गोडाउन में क्या कर रहे? मगन तू गोडाउन संभल, हम लोग दुकान में जा रहे हैं, चलिए नटू काका। हाँ हाँ। फोन कट दिया पगन, मेरा फोन कट। ये बागा की तो स्टॉप। नहीं, अगर अपने बागेश्वर जी को कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, कह देती हूँ। यहाँ मैं सबको अच्छा लगाने नहीं बैठा हूँ। अरे वाह सेठ जी, आप आ गए। ए आ गए वाड़ी, पहले तो मुझे ये बता तूने मेरा फोन क्यों काटा? जब आप बात करने के लिए रूबरू अवेलेबल हो फिर फोन पे बात क्या करना। ब्राइटो ब्राइटो एब्सोल्युटली ब्राइटो। थैंक यू नटू काका, थैंक यू। बताइए सेठ जी फोन क्यों किया? अरे ये बावरे के भरोसे दुकान छोड़ के तुम दोनों गोडाउन में क्यों चले गए? सोचने। सोचने? सोचने नहीं, सोचने। हाँ तो वही तो बोला, सोचने। पर ऐसा क्या सोचना था आपको कि आप दुकान छोड़ के गोडाउन में चले गए? सोच तो आप दुकान में भी सकते थे। नहीं नहीं सेठ जी, दुकान में हम लोग नहीं सोच सकते थे। क्यों? दुकान में क्या है, कस्टमर आते जाते रहते हैं ना तो डिस्टर्ब होता है, शांति से हम लोग सोच नहीं सकते, इसलिए सोचने के लिए हम लोग गोडाउन गए थे। बावरी के भरोसे पूरी दुकान छोड़ के। मगन कहाँ है? गोडाउन में। अरे तो मगन को छोड़ के बावरी के भरोसे दुकान क्यों छोड़ी? सेठ जी हमें तो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही गोडाउन में जाना था। हाँ सेठ जी, और 5 मिनट के लिए कहाँ बेचारे मगन को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ करते। तुम दोनों को ऐसा क्या सोचना था कि दुकान छोड़ के गोडाउन में चले गए? अभी बताता हूँ सेठ जी, एक मिनट नटू काका। हाँ बोल बेटा। जरा हटिए ना, यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं है। वो तो तू यहाँ खड़ा रह के भी बोल सकता था बेटा, बीच में क्यों घुसा? आप भी वहाँ खड़े रह के बोल सकते थे ना, पहले आप बीच में क्यों घुसे? ओह सॉरी सॉरी सॉरी। कंफर्टेबल? जी। मैं यहाँ क्यों आया था? अरे गोडाउन में क्या सोचने गए थे? अरे हाँ, इस पोस्टकार्ड में पूछी गई पहेली का जवाब सोचने गए थे। तुम दोनों को भी पोस्टकार्ड मिला है? तुम दोनों को भी मतलब आपको भी पोस्टकार्ड मिला है? हाँ, और सिर्फ मुझे नहीं गोकुलधाम सोसाइटी में सबको ऐसा पोस्टकार्ड आया है, और सब में अलग अलग पहेलियां पूछी गई है। सबको मिला है मतलब ये कोई मजाक नहीं बागा बॉय, पहेली सुलझाएंगे तो अनमोल इनाम पक्का मिलेगा। यस नटू काका। बागेश्वर जी ये पीपीए क्या है? पीपीए? हाँ पीपीए, पोस्टकार्ड पहेली और अनमोल इनाम। सॉरी सॉरी बावरी जी, वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि मैंने सोचा इनाम जीतने के बाद मैं आपको सरप्राइज दूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ भागा नटू काका, ये पोस्टकार्ड आप दोनों को दुकान में आया? नहीं नहीं, हमारे घर पे। अच्छा घर पे, इसका मतलब ये पोस्टकार्ड भेजने वाला जो भी है उसे हमारे बारे में सब पता है, अब
तो पहली सुलझाने से ज्यादा ये पोस्टकार्ड भेजने वाला कौन है वो जानने की मेरी तालावेली बढ़ गई है। सेठ जी, जिसने भी ये पहेलियां भेजी है वो है एकदम चालाक दिमाग। उसने ऐसी पहेलियां भेजी है कि सोच सोच के हम बेहाल हो गए, लेकिन फिर भी जवाब नहीं मिल रहा है। अरे हम गोकुलधाम वालों को भी इतनी कठिन पहेली दी है कि हमने भी बहुत कोशिश की लेकिन सुलझा ही नहीं पाए। बोलो, हम सब ने मिलके एक दूसरे की पहेली सुलझाने की कोशिश की लेकिन नहीं नहीं ही सुलझा पाए। ओहो, इतनी कठिन पहेलियां पूछी है? मुझे कठिन पहेलियां बहुत पसंद है, सुनाइए ना एक आध। अरे बाउरी, यहाँ पहले की बात हो रही है, कोई शेरो शायरी की बात नहीं हो रही है, क्या एक आध सुनाइए। बाउरी जी क्या? ओके सेठ जी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो ये सारी पहेलियां सुलझानी ही होगी। आखिर ये गोकुलधाम की इज्जत का सवाल है, नहीं नटू काका? ऑफ कोर्स, इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर किलिंग। सॉरी, अ स्लिप ऑफ टंग, इट इज अ मैटर ऑफ ऑनर एंड प्राइड। चलिए सेठ जी, हाँ गोडाउन में जाके शांति से सोचते हैं, चलिए। अरे रुकिए रुकिए नटू काका, रुकिए, यहीं यहीं खड़े रहकर सोचिए। ओके सेठ जी, हमारी पहेली है, मैं वो हूँ जिसकी परिभाषा है कठिन, हूँ शक्तिशाली पर दिखता हूँ शक्तिहीन। वाव, सच में मस्त पहेली है। बावरी बेटा एक मिनट। बगा, पहेली का जवाब है रिश्ते। रिश्ते? आज लोगों में एक दूसरे के रिश्ते इतने पेचीदा है कि उनकी परिभाषा करना मुश्किल है, और वो कच्चे धागे जैसे कमजोर भी हो गए हैं। इस पहेली का जवाब रिश्ते ही है। वाह, थैंक यू नटू काका, थैंक यू। अरे बेटा इसमें क्या, चल अभी तू जल्दी जल्दी जवाब मैसेज कर दे। जी, एक मिनट बागा, एक मिनट, मुझे नहीं लगता यह रिश्ते सही जवाब है। Why? क्या कि रिश्ते तो इंसान निभाता है ना, अगर इंसान अच्छे से रिश्ते निभाएगा तो रिश्ते अच्छे रहेंगे, अगर अच्छे से नहीं निभाएगा तो रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। तो रिश्ते इंसान पर निर्भर करते हैं, तो तेरी पहेली का जवाब रिश्ते नहीं हो सकता। बागा, आई थिंक सेठ जी हैज गॉट ए पॉइंट। कैंसल रिश्ते, अलाउ मी टू थिंक इट ओवर अगेन। सॉरी, बहुत सोचा पर कुछ जवाब नहीं मिलता, ये पहेली बहुत कठिन है। भगा, तू हमेशा बड़े सयानों की बात करते रहता है, तो तेरे बड़े सयानों को पूछना। वो बड़े सयाने तो कह के चले गए ना, तो वो ये पहेली के विषय पे कुछ कह के नहीं गए? कह कर गए हैं ना कि मुश्किल से मुश्किल पहेली का हल बुजुर्गों के पास होता है। क्या इधर तो इनका तो मालूम ही नहीं है कुछ। एक्सक्यूज मी सेठ जी, आई एम नॉट बुजुर्ग। सॉरी। बेटर। मैं कुछ कहूँ? नहीं। हमारे पास एक ऐसे बुजुर्ग है जो वाकई में बुजुर्ग है, उनसे पूछिए, उनको सब पता होगा। चुंबक चाचा। चुंबक चाचा, ये कौन है? सेठ जी, बावरी जी बापू जी की बात कर रहे हैं। ए, ए, चुंबक, अरे उनका नाम चंपकलाल है। चुंबक चाचा, क्या क्या बोल रही है ये? सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे सेठ जी, बावरी का आइडिया अच्छा है, बापू जी को पूछे ना, वो रियल में बुजुर्ग है। सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं नटू काका, बापूजी सयाने भी है। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, बापूजी को पूछे ना। मैंने सुबह ही उनको पूछा था लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, टाल दिया। कहने लगे तू क्या छोटा बच्चा है जो पहले भी नहीं सुलझा सकता। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं बात करता हूँ। हाँ बात, नटू काका पूछेंगे ना तो बता देंगे। हेलो बापू जी, सेठ जी बात करेंगे। अरे हाँ,
हाँ बापू जी। हाँ बोल जेठिया। क्या कर रहे हैं आप? अरे दो मिनट बात करनी थी आपसे। हाँ तो कर। नहीं अगर आप बिजी हो तो बाद में फोन करता हूँ। अरे भाई मैं यहाँ कौन सी ऑफिस खोल कर बैठा हूँ भाई, बोलना क्या काम है? ज्यादा कुछ नहीं, वो भाई वो पहली वो। अरे भाई जेठिया तू दुकान पे भी काम करने के बजाय पहली पकड़ के बैठा है। क्या करूँ बापू जी, वो पहली ने मुझे ऐसा जकड़ के रखा है कि दिमाग किसी और चीज में लग ही नहीं रहा है। और ये सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है बापू जी, सबके साथ ऐसा हो रहा है। कौन सब? अरे मतलब सब पे पहली का बुखार चढ़ा है। हाँ बोल भाई तेरी पहली क्या है बोल। थैंक यू बापू जी, बताता हूँ एक सेकंड। हाँ मेरी पहली है, ऐसी कौन सी चीज है जनाब जिसको पाने के बाद आप कर सकते हैं कुछ भी, निर्भर नहीं रहना पड़ता जरा भी। एक मिनट जरा सोचने दे। ऐसी कौन सी चीज है जनाब जिसे पाने के बाद आप कर सकते हैं कुछ भी, आपको निर्भर नहीं रहना पड़ता जरा भी। सोच रहा। अरे क्या जेठिया, इतनी आसान सी पहेली का जवाब तुझे पता नहीं? आपको पता है बापूजी इसका जवाब? हाँ तो? अरे वहाँ तो बताइए ना बापूजी क्या है जवाब। नहीं तू शाम को घर पे आ फिर बता दो। बापूजी शाम तक नहीं रहा जाएगा, प्लीज बता दीजिए ना। अरे भाई जेठिया अभी के लिए तू सिर्फ इतना सोच के पहेली का जवाब मिल गया है, अब तू निश्चिंत हो जा, तू शाम को आ फिर मैं बता दू। थैंक यू बापूजी, आपने तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। चलो अभी रखता हूँ फोन। ओके बापू जी, थैंक यू। चाचा जी ने? बापू जी ने कहा कि उनको इसका जवाब पता है और शाम को जब भी मैं दुकान से घर जाऊंगा तभी वो मुझे बताएंगे। दुकान बढ़ाने के बाद मैं और नट्टू काका भी आपके साथ आपके घर आएंगे, हमें भी हमारी पहेली का जवाब चाहिए। हाँ हाँ सेठ जी। हाँ जरूर आना बापू जी, आपकी पहेली का भी जवाब यूँ चुटकी में दे देंगे। एक काम करेंगे, शाम को हम लोग जल्दी दुकान बढ़ा के बापू जी के पास पहुँच जाएंगे। 8:30 बजे का टाइम है ना हमारे पास वो जवाब देने के लिए, तो जैसे ही बापू जी हमें जवाब देंगे फटाफट मैसेज कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। मैं तो सबको भी खुशखबरी दे देता हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब क्या कर रहे हैं? ऑफिस में क्या करूंगा, काम। ओ चाचा सॉरी, अगर आप बिजी है तो कोई बात नहीं, बाद में फोन करता हूँ। मैंने खाली वो पहली के जवाब को लेके फोन किया था। मैंने कब कहा कि मैं बिजी हूँ जेठालाल? नहीं अभी आपने बोला ना ऑफिस में, और क्या करूंगा, काम। भाई कर तो काम ही रहा हूँ जेठालाल, लेकिन बार बार मुझे भी पहली का ख्याल ही दिमाग में आ रहा है, और अंजलि भी 2 बार पहली का जवाब पूछने के लिए फोन कर चुकी है। ओहो लेकिन पहली का जवाब मिल ही नहीं रहा जेठालाल। मेहता साहब मुझे तो मेरी पहली का जवाब मिल गया। कैसे? बापू जी तो क्या बागा ने मुझे आइडिया दिया कि बुजुर्गों को लगभग सभी पहली का जवाब पता ही होता है, तो बापू जी को मैंने मेरी पहली के बारे में बात की तो बापू जी ने बोला कि हाँ ये पहली का जवाब मुझे पता है। अरे वाह क्या है जवाब, क्या है जेठालाल? वो अभी उन्होंने मुझे नहीं बताया, कहा कि तू दुकान से घर आ जा शाम को तभी मैं तुझे बताऊंगा। ये तो बहुत बढ़िया हुआ जेठालाल। जेठालाल मैं भी एक काम करता हूँ, मैं शाम को तुम्हारे घर पहुँच जाता हूँ और चाचा जी से बात करता हूँ, हो सकता है मेरी पहेली का उत्तर भी उन्हें पता हो। अरे हो सकता है क्या मेहता साहब, 100% बापू जी को आपकी पहेली का जवाब भी पता ही होगा, और वही बताने के लिए मैंने फोन किया कि आप भी शाम को मेरे घर पे आ जाइए और लगे हाथ आप भी अपनी पहेली का जवाब ले लीजिए। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू, आता हूँ मैं शाम को। ओके 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 चलो। ये बहुत बढ़िया हुआ, गोकुलधाम के दोस्तों को भी फोन कर देता हूँ। अरे भाई मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि जेठालाल की पहली सॉल्व हो जाएगी। पुत्री कमाल कर देता जी। अरे चाचा जी ने कहा एक पल में सॉल्व कर देंगे वो। आपको किसी ने बताया? जेठालाल ने खुद मुझे फोन करके बताया अभी। ओ क्या बात है जी, बढ़िया जी बढ़िया, इतना तो कम बन गया। हाँ फिर तो चाचा जी हमारी पहली भी सॉल्व कर देंगे। अरे ये बताने के लिए तो फोन किया है मैंने, मैं अंजलि को लेकर रात को 8:30 से पहले चाचा जी के पास पहुँच जाऊंगा और अपनी पहली का जवाब पूछ लूंगा। अरे आप अकेले क्यों मेहता साहब, हम सब भी 8:30 के पहले पहले चाचा जी के पास पहुंच जाते और अपनी अपनी पहेली का जवाब उनसे पूछ लेते। हाँ हम लोग भी पहुंच जाएंगे, असि भी 8:30 बजे टिक के पहुंच जाएंगे। ठीक है दादाजी, बोला आ रहे हैं। अच्छा चल। हाँ जेठालाल। अरे आइए 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 अंजलि भाभी, आइए मेहता साहब आइए आइए। जेठालाल
अभी सब आ गए, चाचा जी नहीं आए। किधर है चाचा जी? हाँ जेठालाल, चाचा जी कहाँ? अरे भाई लेनदार की तरह क्या पूछ रहे हो भाई, थोड़ी सब्र रखो। काहे 8:30 बज जाएंगे ना तो जवाब देने का वक्त निकल जाएगा ना, इसलिए। नहीं नहीं पता है, बस बापू जी भी आ ही रहे होंगे। सब आपकी आतुरता से राह देख रहे हैं। हाँ। ये? क्यों? चाचा जी, हम सब के सर पे पहेलियों का ऐसा बुखार चढ़ गया है कि उसका उत्तर जानने के लिए आए हैं। अच्छा, मतलब कोई भी अपनी पहेली सुलझा नहीं सका? नहीं नहीं चाचा जी, हमने बहुत कोशिश की पर हम सबको पहेली का जवाब नहीं मिला। और चाचा जी अभी आप ही हमारी उम्मीद हो। अच्छा जब ठीक है बताओ। हाँ। किसकी क्या पहेली? तो बापू जी पहले मेरी पहेली सुनिए। नहीं नहीं जेठालाल, पहले मेरा पहेली क्या, मेरा पहेली ज्यादा डिफिकल्ट है। पहेली ये है कि पहले मैं बताता हूँ, बोलता ना पहले। अरे शांति रखो, शांति रखो सब लोग। देखो ऐसी हड़बड़ी में मुझसे जवाब देने में कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर मुझे मत कहना। सॉरी सॉरी चाचा जी सॉरी। मेहता साहब पहले आप पूछिए। नहीं ऐसा कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर आती आप बोल दीजिए। अय्यर भाई पहले आप बोलिए। नहीं जेठालाल पहले तुम पूछो। पहले आप बोल दीजिए। नहीं नहीं अय्यर भाई आप बता दीजिए पहले। अब कोई भी कुछ भी बोला ना तो मैं किसी के भी पहले नहीं सुनूंगा और किसी को जवाब नहीं दूंगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल शांत एकदम। सॉरी सॉरी। चलो अभी सब लोग शांति से बारी बारी कहो। अपने पास टाइम भी कम है। पपिता जी आप बता दीजिए अय्यर भाई। बराबर है। थैंक यू सो मच जेठा जी। हमारी पहली ये है, हूँ मैं सबसे ज्यादा ताकतवर, मुझसे हर नफरत हो जाती है बेअसर। चाचा जी हमने बहुत सोचा तो इसका आंसर ना ही न्यूक्लियर वेपन है और ना ही इंसान, ना ही भगवान है और ना ही कलम। सुलझ गई पहल। जानते हो संस्कृत में एक श्लोक है, अल्प नाम पी वस्तु नाम संहति कार्य साधिका। ओके। ये तो पहेली के अंदर पहेली हो गई, और मैंने तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। मेरे भी पुत्र सब ऊपर से गया। हाँ ये ना कहिए तो पूरी अभी नहीं, मतलब मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया। इस श्लोक का मतलब है कि छोटी छोटी वस्तुएं एकत्र होकर बड़े काम को अंजाम दे सकती। जैसे छोटे छोटे तिनकों से बनी हुई रस्सी से हम हाथी को भी बांध सकते हैं। यानी कि एकता में अपार शक्ति है। तुम्हारी पहेली का जवाब है एकता। एकता एकता, क्योंकि एकता से दुर्बल मनुष्य भी एकजुट होकर बलशाली हो जाते हैं। हमारे देश में भाषा धर्म वर्ण रूप रंग खान पान आचार विचार सब अलग है, लेकिन फिर भी भारत अनेकता में एकता का देश है। और इसी एकता की वजह से आज भारत दुनिया में शक्तिशाली है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। एकता के इस मजबूत बंधन में हम लोगों के सारे मतभेद मनमुटाव नफरतें सब विलीन हो जाते हैं। हाँ जैसे हम गोकुलधामवासी सब कैसे एक साथ रहते हैं। हाँ, और हमारे शास्त्रों में लिखा है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, इसलिए सब धर्म भी एक है। जब हम सब एक परिवार के हो जाएंगे तो आपस में कोई नफरत ही नहीं करेगा। हाँ? थैंक यू चाचा जी, आपने कितना अच्छे से पहले सॉल्व कर दिया। तो कहा जाता है इंटरनेट के पास हर सवाल का जवाब, लेकिन इंटरनेट का आविष्कार हुए तो कुछ वर्ष हुए, उससे पहले सवालों के जवाब पाने के लिए क्या किया जाता? ऐसा काम किया जाता था जो बिल्कुल सटीक था। सवालों का जवाब मिलता था उनसे जिनके पास ज्ञान है, असीमित ज्ञान है और अनुभव, यानी कि हमारे बुजुर्ग। उनके पास हर सवाल का जवाब बड़ा सटीक और सही मिला करता था, और आज भी मिलता है। और यही किया गोकुलधाम निवासियों ने। पहुंच गए सभी गोकुलधाम के बुजुर्ग चंपक चाचा के पास पहेलियों का जवाब पाने के लिए, और उन्होंने अय्यर की पहेली का जवाब दे भी दिया। अब देखने वाली बात यह है कि बाकी पहेलियों का जवाब क्या वो दे पाएंगे। सवाल तो बहुत सारे हैं, पहेलियां भेजी किसने, क्यों भेजी है, क्या कारण है, नाम क्या होगा, लेकिन हर राज से पर्दा उठेगा अगले एपिसोड में जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हां एक विशेष बात, कल 2 अक्टूबर 2019 हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती है। समस्त देशवासियों को
हमारी यही प्रार्थना है कि कल और कुछ करें न करें, लेकिन एक बार बापू का स्मरण करें, नमन करें, बापू के बताए मार्ग पे चलने का संकल्प लें, ताकि हम एक देश को नई दिशा दे सके, देश का भविष्य उज्जवल कर सके। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।